आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयुष्मान भव कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। वहीं जनपद पौड़ी गढ़वाल से आयुष्मान भव कार्यक्रम शुभारंभ अवसर पर स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी सहित अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से NIC कक्ष में उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि आयुष्मान भव अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक जनपद में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। कार्यक्रम में लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड के साथ ही आभा ID भी बनाई जाएगी। कहा कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत समस्त चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्तदान हेतु जनपद के विभिन्न स्थानों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ई रक्त कोष में भी इच्छुक रक्तदाताओं के रजिस्ट्रेशन, आमजन को अंगदान हेतु प्रेरित करने के साथ ही शपथ दिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज की सहायता से विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि सभी चिकित्सा इकाइयों में NCD, स्क्रीनिंग, काउंसलिंग, TB व कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत स्क्रीनिंग, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, शिशु स्वास्थ्य व राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।